आज मैं आपको बताऊंगा कि रेस्टोरेंट में रजवाड़ी पनीर कैसे बनाई जाती है। रजवाड़ी पनीर की रेसिपी बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आप इस तरीके से अपने घर पर रजवाड़ी पनीर बना सकेंगे। ये देखिए कितनी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है, तो सीखने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए रजवाड़ी पनीर बनाना शुरू करते हैं। तो रजवाड़ी पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती, फ्रेश वाला हरा धनिया लिया है हमने यहाँ पर, और एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, उसको यहाँ पर एक मोटी मोटी स्लाइस में इस तरीके से काट लिया है, और 4 से 5 हरी मिर्च ली है जिसके यहाँ पर हमने डंठल हटा दिए हैं, और करीबन 10 से 15 लहसुन की कली ली है, और थोड़ा सा यहाँ पर अदरक का टुकड़ा लेंगे। अब इन सभी को हमें बॉईल करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर हमने फ्राई पैन को लिया है। आप चाहें तो सस्पेन के अंदर भी बॉईल कर सकते हैं या किसी तपेले के अंदर भी बॉईल कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम पानी को ऐड कर देते हैं, यानी कि करीबन 1 गिलास के आसपास हम पानी को ऐड कर देंगे। अब इसी में इन सभी को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमने प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, हरा धनिया सभी को ऐड कर दिया है। अब इसको ढक्कन से कवर करके हमें 5 मिनट तक उबालना है। तो यहाँ पर हमने पनीर लिया है, और पनीर को इस तरीके से हम क्यूब साइज़ में कटिंग करेंगे। तो करीबन हमने यहाँ पर 10 से 15 पीसेस छोटे छोटे क्यूब साइज़ में काट लिए हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट तक हमने अच्छी तरीके से उबाल लिया है। अब हमें ढक्कन को हटा देंगे और गैस को हम यहाँ पर बंद कर देंगे, और मिक्सर जार के अंदर हमें ऐड करके और यहाँ पर हमें पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही रजवाड़ी पनीर बनकर तैयार होगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। तो अभी हम मिक्सर जार के अंदर ऐड कर दिया है, आप चाहें तो ठंडा करके भी पीस सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पीस लिया है इन सभी को। तो अब हमें ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर हम सूखे मसाले का जो घोल है उसको तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने एक बाउल लिया है, और बाउल के अंदर करीबन 2 टेबल स्पून के आसपास दही ले लिया है, और इसी में हम सूखे मसाले को ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर को ऐड कर दिया है, थोड़ी सी यहाँ पर हल्दी पाउडर को ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर को ऐड करेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी को ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर को ऐड करेंगे। अब इन सभी को चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से फेंट कर और पेस्ट बना लेंगे। इसके लिए उसी फ्राई पैन को हमने फिर से भट्टी पर चढ़ा दिया है, और इसी के अंदर 1 टेबल स्पून के आसपास कुकिंग ऑयल को ऐड करेंगे, और सबसे पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो पनीर के पीसेस को ऐड कर लेंगे और सभी पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके का पनीर हमने फ्राई कर लिया है। अब तेल से अलग कर लेंगे, और इसी तेल के अंदर 1/2 टीस्पून के आसपास जीरा को ऐड करेंगे, और जैसे ही जीरा तड़कने लगे सूखे मसाले का जो हमने पेस्ट बनाया है इसको ऐड कर देंगे। तो फटाफट से ऐड करके और चम्मच को चला लेंगे, ताकि दही जो है वो फटे नहीं। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी को ऐड करके और अच्छी तरीके से मसाले को पका लेंगे, और इसी के साथ हम 1 टीस्पून फ्रेश अमूल बटर को ऐड करेंगे, और थोड़ा सा फीका मावा को ऐड करेंगे। जब हम रजवाड़ी पनीर के अंदर फीका मावा और बटर को ऐड करते हैं तो ग्रेवी बनेगी वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए मसाला हमने अच्छी तरीके से पका लिया है। इसके बाद धनिया, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन वाला जो पेस्ट हमने पीसा है इसको ऐड कर देंगे, और जार के अंदर थोड़ा सा पानी को ऐड करके और अच्छी तरीके से मिलाकर और इसको भी ऐड कर देंगे। अब हमें यहाँ पर करीबन 2 मिनट तक ग्रेवी को अच्छी तरीके से पकाएंगे। तो ये देखिए हमने 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम स्वाद अनुसार नमक को ऐड करेंगे, और फ्राई किया हुआ पनीर को ऐड कर देंगे, और 1 टेबल स्पून के आसपास फ्रेश अमूल क्रीम को ऐड करेंगे। क्रीम से दोस्तों जो ग्रेवी तैयार होगी वो एकदम स्मूथ ग्रेवी बनेगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पनीर को ग्रेटर की सहायता से घिस कर ऐड कर देंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियोस को देखते हैं, लेकिन दोस्तों आप वीडियोस को ना ही लाइक करते हैं और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और भी आपके लिए अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट जैसी वीडियोज़ बनाने के लिए। और ये हमारा रजवाड़ी पनीर रेस्टोरेंट जैसा बनकर तैयार है। तो इस तरीके से आप अपने घर पर रजवाड़ी पनीर बनाएंगे तो उसका जो टेस्ट है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही आएगा, और इसकी जो ग्रेवी आप देख सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली ग्रेवी है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय जवान।